सिल्की एक केमिस्ट्री क्लास है ना बाबू, और कम करके केमिस्ट्री क्लास लो करनी है ना। ऑडियो टेस्ट का रिजल्ट आज आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। और चेक हो गया नंबर आपका बहुत अच्छा नहीं है फिलहाल, आवाज पीछे तक आ रही है कि अभी आ रहा है, शुरू किया जाए। लेकिन आपने उसको कैजुअल ले रहे हैं। पेपर दीजिए, पता ही नहीं रहेगा कि कितना तैयार है, तो आगे क्या करेंगे भाई साहब। हम आपसे बार बार बोल रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट ले रहे हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि इस टॉपिक में कितना तैयार है और कितना नहीं तैयार है। जो नहीं तैयार है उसको आइए पूछिए ना। संडे संडे भी अवेलेबल है भाई साहब, संडे को किसी का स्कूल नहीं होता है। पर सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्कूल बंद हो रहे हैं आपके, एक महीना रगड़ के एकदम पढ़ दो,
जो चेहरा लेके स्कूल से बाहर निकले थे वही लेके अंदर जाना है क्या फिर? अरे कुछ अलग बन के जाओ यार, एक महीना इतना रगड़ के पढ़िए कि लोगों को पता ही ना चले कि भाई साहब ये वही वाला था जो पहले वैसे ही गया था। ये एक महीना मन से पढ़ेंगे तभी होगा। अब ये मान लेते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो नॉन वोलेटाइल है। पहले बात, हमारा जो सॉल्वेंट है वो नॉन वोलेटाइल, सॉरी सॉल्वेंट जो है वो वोलेटाइल है, सॉल्वेंट क्या है वोलेटाइल, और हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। और वोलेटाइल क्या है आपको कल के क्लास में बताया था, वो कंपोनेंट जो पिछली पेपर में कन्वर्ट होता है वोलेटाइल और जो नहीं कन्वर्ट होता है सॉल्वेंट है ना, वो कंपोनेंट जो इजिली पेपर में कन्वर्ट होगा, पेपर में कन्वर्ट होगा उसको कहा जाएगा वोलेटाइल, और जो इजिली पेपर में कन्वर्ट नहीं होगा उसको कहा जाएगा नॉन। जो इजिली पेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, पेपर में कन्वर्ट नहीं होगा उसको कहा जाएगा नॉन वोलेटाइल, याद है ना। चलो वोलेटाइल के तौर पे एग्जांपल क्या हो गया, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, एल्कोहल 25 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है, ईथर 5 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो एल्कोहल ईथर वाटर के सकता है वोलेटाइल जो आसानी से लिखा लेकर हो गए। नॉन वोलेटाइल में कौन है, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब क्या कहलाएगा नॉन वोलेटाइल, जो इजीली पेपर में कन्वर्ट चाहिए और जो हो जाएगा क्या कहलाएगा वोलेटाइल, ठीक है। अब वोलेटाइल सॉल्वेंट और वोलेटाइल सॉल्यूट को लेते हुए वेपर प्रेशर का इस वोलेटाइल कंपोनेंट के साथ क्या रिलेशन है ये बताने का काम किया था फ्रैंकलिन पेरी डाउन, और उन्हीं के नाम पे इसको कहा गया डाउन। डाउन का आया था 1836 एक साहब थे फ्रैंकलिन पेरी डाउन, इन्होंने एक लॉ प्रपोज किया जिसको कहा गया डाउन, ठीक है। 1836 फ्रैंकलिन पेरी डाउन प्रपोज अ लॉ इसमें क्या कहा गया था, मान लीजिए एक कंटेनर लेते हैं, ये एक कंटेनर लिया, ठीक है बाप, और कंटेनर में हमने वोलेटाइल सॉल्वेंट डाल दिया, वोलेटाइल सॉल्वेंट ये जो बैग वाला है वो वोलेटाइल डाल रहा है, वोलेटाइल सॉल्वेंट कंटेनर में वोलेटाइल सॉल्वेंट डाल दिया, और इसी में थोड़ी मात्रा में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, यू वाला नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट वोलेटाइल और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल। अब इसको पूरी तरीके से कवर कर दिया, और कवर करके बाबू इसमें दी दिया हम लोगों ने, कवर करके जब गर्म करते हैं तो हम ये पाते हैं भैया कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट है वो पेपर में कन्वर्ट होगा और जो नॉन वोलेटाइल है वो पेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। तो हमको अगर पेपर मिलेगा तो प्योर और प्योर किसका मिलेगा, वोलेटाइल का मिलेगा, नॉन वोलेटाइल का कोई पेपर नहीं मिलेगा, नॉन वोलेटाइल का कोई पेपर नहीं मिलेगा भैया,
अब ये पेपर की क्वांटिटी कितनी ज्यादा होगी ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपने इसमें वोलेटाइल कंपोनेंट कितना ज्यादा लिया है। अगर थोड़ा सा पानी लीजिएगा तो पेपर भी थोड़ा सा बनेगा, पूरा ज्यादा पानी लीजिएगा तो पेपर भी क्या होगा ज्यादा बनेगा। यानी कि पेपर की क्वांटिटी सीधे सीधे किस पे डिपेंड करेगा, वोलेटाइल कंपोनेंट की क्वांटिटी क्या है। अगर वोलेटाइल कंपोनेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो पेपर की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, वोलेटाइल कंपोनेंट की क्वांटिटी कम है तो पेपर की क्वांटिटी भी कम होगी। बात को एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और पेपर जितना ज्यादा होगा पेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा, पेपर अगर कम होगा तो पेपर प्रेशर कितना होगा कम होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो पेपर प्रेशर है वो सीधे सीधे इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वोलेटाइल कंपोनेंट की क्वांटिटी कितनी है। आया ना, जो पेपर प्रेशर है वो सीधे सीधे इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वोलेटाइल कंपोनेंट की क्वांटिटी कितनी है। अगर वोलेटाइल कंपोनेंट की क्वांटिटी कम है तो कम पार्टिकल पेपर में जाएगा, और कम पार्टिकल पेपर में जाएगा तो पेपर प्रेशर भी क्या होगा कम होगा। अगर वोलेटाइल कंपोनेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो ज्यादा पार्टिकल पेपर में जाएगा, और ज्यादा पार्टिकल पेपर में जाएगा तो पेपर प्रेशर भी क्या होगा ज्यादा होगा, है ना। अगर ज्यादा पार्टिकल पेपर में जाएगा तो पेपर प्रेशर भी क्या होगा ज्यादा होगा। इसी बात को डॉक्टर ने अपने शब्दों में कहा। इन्होंने क्या कहा कि पेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, पेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, किसके लिए फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्या क्या है वो सॉल्यूशन में क्या क्या है, तो वोलेटाइल सॉल्वेंट है और नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट, यही है ना। फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड
पी है प्रोपोर्शनल टू मैगी है, प्रोपोर्शनल को एक क्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स। ये पी ए नॉट प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स है, पी ए नॉट के बारे में थोड़ा सफाई दिया जाए, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट पी ए नॉट इज वाल प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। और इसी को कहा जाता है वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट यही का एक्सप्रेस किया था, पर और देख लिया था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में कौन ज्यादा होगा। अच्छा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में कौन ज्यादा होगा ये देखा जाए। ठीक है, ये हमारा कंटेनर है जिसमें केवल और केवल वोलेटाइल कंपोनेंट है, केवल वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल काला ही नहीं है, यानी केवल कौन है बाबू सॉल्वेंट, मान लिया सॉल्वेंट, केवल कौन है सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं डाल रहा है, केवल कौन डाल रहा है सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है ना, वोलेटाइल है तो उसका जो वेपर प्रेशर बन रहा है दैट वेपर प्रेशर इज पीए नॉट, क्या नाम दिया पीए नॉट, उसके द्वारा जो वेपर प्रेशर कवर करके जो वेपर प्रेशर बनेगा उसको क्या नाम दे दिया पीए नॉट। सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर को क्या नाम दे दिया पीए नॉट। अब एक काम करते हैं इसी में थोड़ा सा सॉल्यूट डालते हैं जो नॉन वोलेटाइल, मतलब उसका कुछ एरिया कवर हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल ना तो वेपर से कन्वर्ट होगा और ना अपने नीचे वाले पार्टिकल को कन्वर्ट होने देगा, ऊपर से रोक रखा है तो कुछ एरिया क्या हो गया कवर हो गया। अब क्यों वेपर प्रेशर बनेगा केवल इतनी एरिया से बनेगा ना, और हम जानते हैं भैया इस केस में वेपर प्रेशर को नाम दिया है सॉल्यूशन, हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, यही होता है ना। हम क्या जानते हैं वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अब जरा मुझसे देख के बताइए इस केस में सरफेस एरिया ज्यादा है या इस केस में ज्यादा है, केस वन में ज्यादा है कि केस टू में ज्यादा है, केस वन में ज्यादा है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते रहे सरफेस एरिया घट जा रहा है, अगर जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी हम कह रहे थे कि पीए नॉट, पीए नॉट पहला केस पीए नॉट था, दूसरा केस क्या है पी सॉल्यूशन, तो पीए नॉट इज ग्रेटर देन पी सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अजय ग्राफ पहले इतना देख लो, इस पर बहुत स्टॉप ग्राफ बना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन के बीच, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा हमको ये बताओ अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जीरो हो जाएगा, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जीरो हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कितना होगा जीरो की मैक्सिमम, तो इसके बोलिएगा सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जीरो कर दिया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना कर दिया जीरो। अच्छा सॉल्वेंट वही है जो पेपर बना रहा है जो वोलेटाइल है उसी को खत्म कर दो, केवल कौन बचा सॉल्यूट बचा जो नॉन वोलेटाइल है, क्या पेपर प्रेशर बनेगा नहीं, यानी जब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जीरो होगा तो पेपर प्रेशर कितना हो जाएगा जीरो, और जैसे जैसे सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ाइएगा पेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा, यानी सॉल्वेंट की क्वांटिटी जैसे जैसे बढ़ाइएगा पेपर प्रेशर बढ़ेगा, लीनियर तो ग्राफ कैसा होगा लीनियर स्ट्रेट लाइन, कोई दिक्कत नोट कर लीजिए इतना राउंड्स को। हाँ कल जो लिखे थे, अच्छा फैक्टर्स एट विच इवेपोरेशन डिपेंड, दो लाइन वो भी कर लो पहले, फैक्टर्स एट विच इवेपोरेशन डिपेंड, कौन कौन से फैक्टर्स इवेपोरेशन डिपेंड करता है, यही बात है ना, तो लिखे थे ना उसके आगे लिखे फैक्टर्स एट विच इवेपोरेशन डिपेंड, सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, द लिक्विड हैविंग, नेचर ऑफ लिक्विड, द लिक्विड हैविंग, द लिक्विड हैविंग लेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, वो लिक्विड जिनके बीच का अट्रैक्शन कम होगा आसानी से पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, द लिक्विड हैविंग लेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, लेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन,
इवेपोरेट इजिली द लिक्विड हैविंग लेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इवेपोरेट इजिली हो गया। अब ऑर्डर लिख लीजिए, ईथर ईथर ग्रेटर देन अल्कोहल ग्रेटर देन वाटर है ना, इज द ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। ईथर ग्रेटर देन अल्कोहल ग्रेटर देन वाटर, पहली क्लास में सब बता चुके आपको। ईथर ग्रेटर देन अल्कोहल ग्रेटर देन वाटर। दूसरा सरफेस एरिया अभी बताया ना, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सरफेस एरिया देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया है ना। एज द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, एज द सरफेस एरिया डिक्रीजेस, एज द सरफेस एरिया डिक्रीजेस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस, एज द सरफेस एरिया डिक्रीजेस वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस। नाउ टेम्परेचर, टेम्परेचर बोले बाबू, रेट ऑफ इवेपोरेशन टेम्परेचर, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस टेम्परेचर में लिखिएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया। टेम्परेचर में लिखिए, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, हो गया। कर जाइए आगे टॉपिक आते हैं राउंड्स का।
चलो अब सुनिए, हो गया इतना? बहुत जल्दी लिखो। अरे आसान आसान टर्म है यार, कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ा रहा हूँ। कौन कौन है? नियोजिता, शालिनी, आयुषी, शिल्पी, खुशी, नितिन। चलो ठीक है। बाबू कोई डाउट अगर ना हो, क्लियर हो तो एक गुलाब भेजो, और डाउट हो तो एक इमोजी भेजो। क्लियर हो तो गुलाब, डाउट हो तो इमोजी। थोड़ा जल्दी करिएगा, आपसे पूछना भूल गया। शिल्पी, शालिनी, क्लियर? क्लियर। क्लियर है। और कोई? सबका हो गया। आयुषी, 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 आयुषी है आप? हो गया भैया? शुरू करें, आगे बढ़े। चलो फिर से लिखना बंद करो, याद करते हैं फिर, है ना? पहला जो डाउट का लगाया गया उस दिन जो सॉल्यूशन था, रुक जाओ मैसेज कर ले, हो गया बड़ा जल्दी। हाँ शुरू करेगा।
आदेश है। चलो, तो पहला जो राउंड्स ला लगाया गया था उसमें हमारा जो सॉल्यूशन था भैया उसमें वोलेटाइल सॉल्वेंट था और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यही था ना, वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या होगा अगर सॉल्वेंट भी वोलेटाइल हो और सॉल्यूट भी वोलेटाइल हो, दोनों के दोनों वोलेटाइल हो, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल और सॉल्यूट भी वोलेटाइल, दोनों के दोनों वोलेटाइल होंगे तब क्या होगा? ठीक है, पूछ के बताएंगे या वैसे ही पूछ के? तो मैसेज कर ही रहे, कर लीजिए, नहीं बता रहे, अच्छा कोई बात नहीं, हमसे पूछिए हम बताएंगे। तो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, चलो भाई नहीं बात नहीं करो। राउंड्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू राउंड्स लॉ, राउंड्स लॉ आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, हम बस हिंट देंगे। राउंड्स लॉ क्या कहता है चलो बोलो, वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट। अब भैया यहां तो दोनों वोलेटाइल है, सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। राउंड्स लॉ के हिसाब से ये कहा जाएगा कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, हाँ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट। अच्छा जरा ऊपर वाली लाइन पढ़िएगा, कौन कौन वोलेटाइल है यहाँ पे? सॉल्वेंट और सॉल्वेंट दोनों पे दोनों वोलेटाइल है ना। राउंड्स लॉ के हिसाब से तो वेपर प्रेशर वोलेटाइल कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, ये थोड़ी ना कहता है कि वो सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, कोई भी हो उस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा, ठीक है ना भाई। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, और वोलेटाइल कौन कौन है? सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू क्या क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। भैया दोनों लाइन में कोई दिक्कत? राउंड्स लॉ के हिसाब से ही लिखे है ना, दोनों के दोनों वोलेटाइल है तो दोनों पे वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब भैया मान लो मेरे पास सॉल्यूशन है, उसमें दो कंपोनेंट है, एक है कंपोनेंट ए और एक है कंपोनेंट बी, ए को सॉल्वेंट कह दिया जाए और बी को सॉल्यूट कह दिया जाए, ये पिछले बार भी लिया था ना। तो मेरे पास सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक है भैया कंपोनेंट ए, सुनना ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, कंपोनेंट ए और एक है बाबू कंपोनेंट बी, कंपोनेंट बी ए जो है बाबू ये है सॉल्वेंट, ए क्या है सॉल्वेंट, अब बी क्या है तो बी है सॉल्यूट, ए है सॉल्वेंट और बी क्या है तो बी है सॉल्यूट, बी है सॉल्यूट। ए का नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल ले लेते हैं एन ए, नंबर ऑफ मोल का सिंबल एन होता है और ए के लिए क्या लिखते हैं एन ए, अब बी का नंबर ऑफ मोल ले लेते हैं, नंबर ऑफ मोल क्या ले लिया तो ये ले लिया एन बी, B का नंबर ऑफ मोल क्या ले लिया एन ए, का नंबर ऑफ मोल एन ए, अभी का नंबर ऑफ मोल एन ए, क्या क्या कहा सॉल्यूशन है इसमें, एक है कंपोनेंट ए और एक है कंपोनेंट बी, और कंपोनेंट ए कौन है सॉल्वेंट है, कंपोनेंट बी कौन है सॉल्यूशन, और कंपोनेंट ए वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, ये भी वोलेटाइल है और बी भी वोलेटाइल है, तो बी भी क्या है वोलेटाइल, तो सॉल्यूट भी वोलेटाइल और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, दोनों दोनों वोलेटाइल, सॉल्यूट भी वोलेटाइल और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल, ठीक है ना। चलो दीपिका आप हमको ये बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए क्या होगा, फॉर्मूला बस फॉर्मूला बोलेगा बाकी लोग शांत रहे,
हाँ तो सीधे जो फॉर्म में बोलिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक बोलिए सभी को मालूम है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन में फिर उसका फॉर्मूला अरबी का एक्स भी ऐसे ही बताओ बाबू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हाँ जो चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है ना, इसी क्वेश्चन को जरा तोड़ के लिखा जाए, तोड़ के लिखा जाए आना तो वही है, जरा तोड़ के लिखा जाए समझने के लिए। क्या हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, कह सकते हैं कि नहीं? अरे हाँ याना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन आधा आधा दोनों को लिखेंगे अभी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे हाँ, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन पी सॉल्यूशन या केवल इसी को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अच्छा लिख लियो तो लिख दो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करेगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूशन अगेन प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब इक्वेट मत करना जरा, समझाने के लिए लिख रहे हैं है ना, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट? हाँ या ना? भाई अगर सॉल्यूट का जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वेपर बनाएगा और उतने ज्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट का सिंबल दे देते हैं पीए, क्या सिंबल दे दिया पीए, कोई दिक्कत नहीं आता है? अरे समझो पहले बात को समझो, अपने सॉल्यूशन को पीए देते हां पीवी सॉल्यूट का पीए तो को पीवी लिख लो पीवी तो क्या दे दिया पीपी पीपी, तो पीवी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या होता है एक्स डी, अब प्रोपोर्शनल हटा करके प्रोपोर्शनल डी कांस्टेंट लगा दिया तो PB इज इक्वल टू PB नॉट एक्स डी। नाउ व्हाट इज PB नॉट प्रोपोर्शनल, नाम क्या देंगे पेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यही होगा ना सॉरी प्योर सॉल्यूट पेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। नाउ PB नॉट दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज सॉल्व and is called vapor pressure of pure solute। चलो ऐसे इसको कर लिया गया चेंज, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, चलो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कह सकते हैं कि नहीं समझे? अरे भाई सॉल्वेंट अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा वेपर बनेगा, ज्यादा वेपर बनेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा ज्यादा होगा, सॉल्वेंट अगर थोड़ा सा रखिए दो चम्मच रखिए तीन चम्मच रखिए तो वेपर भी तो तीन चम्मच का बनेगा तो वेपर प्रेशर वह क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तीन बाल्टी रखिएगा तो वेपर तीन बाल्टी का बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा, यानी कि सॉल्वेंट के और जितना मोल फ्रैक्शन होगा उसी पे कौन डिपेंड कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, अगर मोल फ्रैक्शन बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन घटाएंगे तो वेपर प्रेशर घटेगा। सॉल्वेंट के लिए क्या सिंबल दे दे पीए है ना पीए, हम क्या लिखे पीए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए या पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए, तो आप वही कर लो समकालिक गिनती है पीए इज इक्वल टू पीए नॉट इनटू एक्स, तो व्हाट इज पीए नॉट दोनों को जोड़ो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट
प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, दोनों दोनों जोड़ने पे क्या मिलेगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसको मान लो समीकरण संख्या एक, समीकरण एक, और इसको अच्छा इंग्लिश में लिखते हैं इक्वेशन टू। तो समीकरण एक और इक्वेशन टू को जोड़ने पे क्या मिलेगा? दोनों को जोड़िएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लिख देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। कह सकते हैं कि नहीं? अच्छा चलो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या सिंबल होता है? पी सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट क्या सिंबल है? पीबी। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या सिंबल है? पीए। तो एबी के टर्म में लिख रहे हैं पीए प्लस पीबी। तो पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? हां, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू पीए प्लस पीबी। भाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना? जितना सॉल्यूट वेपर प्रेशर लगा रहा है प्लस जितना सॉल्वेंट वेपर प्रेशर मिला रहा है, दोनों को मिलाइएगा क्या मिलेगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अच्छा, पीए की वैल्यू क्या है? पीए नॉट एक्स है, और पीबी की वैल्यू क्या है? पीबी नॉट एक्स, यही वैल्यू है ना? एक समीकरण से देखो तो पीबी की वैल्यू पीबी नॉट एक्स भी। तो जहां पीबी लिखे उसकी जगह क्या लिख दें? पीबी नॉट एक्स भी। और जहां पीए लिखे उसकी जगह क्या लिख दें? चलिए आप ही बोलिए क्या नाम है? नहीं नहीं रितिका, हाँ बोलो बाबू। पी सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं यहाँ से? नहीं, पी सॉल्यूशन हम लिखना चाहते हैं पी ए प्लस पी भी लिख चुके हैं। हाँ, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट थोड़ा किसी हिसाब में भौकाल मारना होगा तो ये वाला बिल्कुल कहना तो वही चाहता है जो ऊपर कह रहा था, है ना? बस एक्सपेंड करके बोल रहे हैं एक्स ए की वैल्यू बता देंगे, एक्स बी की वैल्यू बता देंगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू पी ए नॉट प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इंटू पी बी नॉट, है ना? किसी के सामने बोलेंगे भौकाल होगा, इतना अच्छा इक्वेशन याद है। ऐसे बोलोगे पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, है तो सबको याद होता है ना? कोई दिक्कत? तो ये है राउंड्स का और द बाइनरी सॉल्यूशन। अच्छा, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? बहुत अच्छा, ऐसे ही याद होता है, दिल खुश हो जाता है कभी कभी याद होने पर, फिर जब टेस्ट लेते हैं फिर उदास हो जाता है। क्या कर रहे थे? राउंड्स का और द बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट्स, बाइनरी सॉल्यूशन हैविंग वोलेटाइल सॉल्यूट एंड वोलेटाइल सॉल्वेंट, उसके लिए ये होगा बाबू। अच्छा अब बताओ, रुक जाओ, अब बता दो, अगर पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पी सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर है पीए नॉट, सॉरी पीबी नॉट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है पीबी नॉट, कौन बड़ा होगा? अब की बात सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, और सॉल्वेंट में और सॉल्यूट में नंबर ऑफ मोल छोटे छोटे हैं। तो क्या कहेंगे? नोट करके यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ लिखेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन, अरे देखो ना भाई, दोनों को जोड़ने पे ना सॉल्यूशन का मिल रहा है ना। अभी बताओ आपसे एक पूछे कि भाई पीए नॉट बड़ा है कि पी सॉल्यूशन बड़ा है? बोलोगे तो पीए नॉट में एक्स से मल्टीप्लाई करो, पीबी नॉट में एक्स बी मल्टीप्लाई करो, जोड़ो तब क्या मिलेगा? पी सॉल्यूशन। तो पी सॉल्यूशन बड़ा है, तो पी सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पीए नॉट, और ऐसा ही पी सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पीबी नॉट। तो पिछले वाले से एकदम अपोजिट रिजल्ट आया है ना?
पिछला वाला क्या कहेगा था कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का क्या होगा कम होगा, है ना? यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्वेंट का क्या होगा कम होगा, ठीक है? जोर कर दीजिए, अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं ना, अपना बताए कब तक साढ़े बारह बजे ग्यारह बजे हम बारह बजे अलग अलग अच्छा बोलूंगा मैं बोली भाई नहीं नहीं तो कह रहा है फोन आया है मुझे, हाँ एक मिनट घर आके आइए अब लिख लिए, समझ आ रहा है? फी सबमिट हो गया है? भाई जल्दी लिखो आगे बढ़ा जाए, अब तो होशियार हो गए हमें लोग चाय बनाते हैं। हाँ, सही बोला। दुकान भी दुकान
कुछ बचा है बता दो क्या बचा है सर आप आए क्यों नहीं है सर मैं चाय बना देती हूँ भाई लिख दिए सभी लोग मेरे भाई को ये करते चलिए अटेंडेंस भी बोल लीजिए तब तक जब तक लिख रहा है नित्यम राजवीर मृत्युंजय मृत्युंजय विवेक शिवम आलोक शुभम 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 योगिता खुशी महेशबिन अनामिका रिया सिंह शनिष्का अंकिता अर्पिता ईशिता आंचल दीपिका शिवांगी सारिका ओम वर्णिका महिमा कीर्ति अमन सिंह दिया कल्पना आयुषी गीतांजलि अरिहन 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 का मतलब क्या होता है जी किताब नहीं भाई अरिहन का मतलब क्या होता है किसी को नहीं मालूम है अरिहन उसकी एक पब्लिकेशन भी आती है ना अरिहन पब्लिकेशन मतलब क्या हुआ अनंत
असीम, असीम असीम मतलब किसी भी चीज का जो एकदम पीक होता है उसको कहते हैं अरिहंत। जैसे आप अगर पढ़ाई में एकदम पीक पे चले जाइए तब आपको कहा जाएगा अरिहंत, ठीक है। जो जिस फील्ड में है उसके एकदम पीक पे रहेगा तो उसको कहते हैं अरिहंत, है ना। एक कविता है शुभम श्याम की, उसी में लाइन है, गलत करूंगा साबित सबको यहाँ कोई अरिहंत नहीं, गिर जाना मेरा अंत नहीं, ऐसे करके था वैसे सुती रानी रानी अनुराग रागिनी रागिनी मोहम्मद जुनैद जुनैद राजन आदित्य सिंह नितिन अंकित अंकित वरुण दिव्यांश स्वर्णिमा अच्छा अच्छा युवराज शिवानी नियोजिता अंजलि निशु निशु सौर्य सूरज अनमोल शैली अमन सिंह ये भी नहीं है आदित्य कुमार आदित्य कुमार ये भी प्रशांत ऋतिका सचिन अनुष्का अनुष्का नहीं है कंचन सोहेल आदित्य स्नेहा 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 का मुस्कान हिमांशु सिंगी आकाश आकाश अशोक राजदीप पीयूष पलक आपका नाम पलक फिजिक्स वाले में नाम नहीं बोले थे ना बोलना था ना आगे लिखते हैं इतने में कोई डाउट राउंड्स का इतना ही था बाबू राउंड्स का फॉर बाइनरी सॉल्यूशन वोलेटाइल कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के साथ एक मिला है और दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट के साथ एक मिला है दोनों में कोई दिक्कत है तैयार है ना एकदम चलिए आगे बढ़ते हैं फिर कोई नहीं ले पाता मेरे अगला भैया डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्स लॉ या डाल्टन्स लॉ एंड राउल्स लॉ दोनों को मिला के देखा जाए क्या रिलेशन आता है शुरू करें तो डाल्टन्स लॉ ध्यान दो ध्यान दो फिर ध्यान दो डाल्टन्स लॉ वर्सेस
क्राउड्स देखो नॉर्टन लॉ क्या कहता है. अच्छा रॉल्स लॉ क्या कहता है. तो रॉल्स लॉ क्या कहता है बाबू. रॉल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट. ध्यान दें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट. वोलेटाइल कंपोनेंट. अच्छा दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हो तो पीए इज इक्वल टू क्या आया था. पीए इज इक्वल टू क्या आया था. पीए नॉट एंड एक्स ए. अब पीबी इज इक्वल टू क्या आया था. पीबी नॉट एक्स ए. क्या ये रिलेशन नॉट्स लॉ के हिसाब से आया था. आया था कि नहीं आया. पीए इज इक्वल टू पीए नॉट एक्स ए. पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट एक्स ए. यही आया था. चलो डाल्टन्स लॉ. डाल्टन्स लॉ. अच्छा ये पीए और पीबी क्या है. वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन. ये तो टोटल का प्रेशर है भाई. सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का प्रेशर है ना. वही वेपर प्रेशर है. अब केवल एक का प्रेशर लीजिएगा तो आधा प्रेशर होगा. छोटा प्रेशर होगा कि नहीं होगा. समझो जरा. सॉल्यूट का प्रेशर है पीए. सॉल्यूट का प्रेशर है पीए. सॉल्वेंट का प्रेशर है पीबी. और दोनों मिला के क्या हो रहा है. पी. पी क्या है. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. पीए क्या है. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर. पीए क्या है. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. पीबी क्या है. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट. यही था ना. तो ये छोटा प्रेशर है. सॉल्यूट का प्रेशर छोटा प्रेशर है. सॉल्वेंट का प्रेशर छोटा प्रेशर है. दोनों मिला के क्या बन रहा है. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो ये जो पीए छोटा वाला प्रेशर है इसको हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर. क्या कहेंगे. पार्शियल प्रेशर. तो पीए आपका वेपर प्रेशर दिया और थोड़े समय के लिए कहा जाता है पार्शियल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ये है ना. तो सॉल्वेंट. और ये क्या है. पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट. पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट. ऊपर वाला क्या था बाबू. पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. या तो कोई दिक्कत. तो रॉल्स लॉ के हिसाब से ये भी कह सकते हो यार कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू इनटू पीए नॉट. क्या है. कहते क्या है. प्योर सॉल्वेंट है ना. ठीक है. अच्छा डाल्टन्स लॉ क्या कहता है. डाल्टन्स लॉ क्या कहता है बाबू. तो ही कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू. डाल्टन्स लॉ क्या कहता है. इक्विलिब्रियम में क्लास 11 केमिस्ट्री में पढ़ा रखे हैं. वही चीज हम फिर से लिखने जा रहे हैं. ये क्या कह रहा है. ये कह रहा है बाबू कि टोटल पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू. पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू. समझ लो किताब में समझाया नहीं है. क्यों एक लाइन में लिख दिया है. ये क्या कहता है. ये कहता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. क्या कहता है. पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. अच्छा चलो हम तो डाल्टन लॉ के हिसाब से पार्शियल प्रेशर ऑफ ए. अच्छा ये सिंबल होगा ना. देखो ना पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया. पीए. ओम. पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया. पीए. क्या हो गया. पीए. अब पीए की वैल्यू क्या होगी. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा. एक्से. और टोटल प्रेशर. टोटल प्रेशर क्या होगा. सॉल्यूशन का होगा ना. उसको क्या लिखते हैं. पी. ओम. पी इज इक्वल टू एक्से इनटू पी. पी इज इक्वल टू एक्से इनटू पी. खेल रहे हैं. पी इज इक्वल टू एक्से इनटू पी. वो दिक्कत अभी दर ऐसे ही बताओ. पार्शियल प्रेशर ऑफ बी. पी बी इक्वल टू क्या होगा. एक्से इनटू पी. पी इन दोनों इक्वेशन को देखिएगा. दोनों इक्वेशन को देखिएगा. तो दोनों इक्वेशन का अगर लेफ्ट हैंड साइड देखा जाए पीए पीए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा. तो पीए नॉट एक्स ए किसके बराबर होगा. एक्स ए इंटू पी के. पीए नॉट इंटू एक्स ए फ्रॉम वन एंड टू. फ्रॉम वन एंड टू. पीए नॉट एक्स ए. पीए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू किसके बराबर हो रहा. अरे पीए को बराबर किया तो क्या हो गया. एक्स ए इंटू पी. तो पी इज इक्वल टू क्या हो गया. पीए नॉट एक्स ए अपॉन अपॉन एक्स ए. मन करे काट दीजिएगा. मन करे काट दीजिएगा. ठीक है. चलो इधर आओ. ऐसे दूसरे का इक्वेशन क्या मिलेगा. पीबी नॉट एक्स बी is equal to xp into p. xp into p.
चलो यहां से P इज इक्वल टू क्या हो गया, PV नॉट एक्सपी अपॉन मंथली फैक्टर, ठीक है। तो ये रिलेशन मिलेगा बाबू राउल्स लॉ और डॉल्टन्स लॉ में। अच्छा हेनरी लॉ भी पढ़ा था, हेनरी लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बोलो सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस, डायरेक्टली सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे यार हेनरीज लॉ क्या था भूल गए, हेनरीज लॉ वर्सेस राउल्स लॉ। चलो राउल्स लॉ क्या कहता है, तो राउल्स लॉ कहता है, देख रहा हूं बता देता है राउल्स लॉ क्या कहता है, तो राउल्स लॉ कहता है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्सेस, अब PV is equal to PV not XV, और हेनरी लॉ क्या कहता है, इंटर ऑफ मोल फ्रैक्शन करके हेनरी लॉ में रिलेशन लिखे थे कोच क्या था बोलिएगा, हेनरी लॉ में इंटर ऑफ मोल फ्रैक्शन बोलो अरे हेनरी लॉ में लिखा था ना इंटर ऑफ मोल फ्रैक्शन, आपने कहा था सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, है ना यही कहा था ना इंटर ऑफ मोल फ्रैक्शन, उसको बोलो क्या आया था, ई इज इक्वल टू हाँ के एच इंटू एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए, और यहाँ पे क्या था पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, इन दोनों को मिला लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, इसका काम है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना, क्या मिला इसको वन ले लो इसको टू ले लो फ्रॉम वन एंड टू वन एंड टू, हाँ क्या मिला बाबू पी ए नॉट एक्स ए इज इक्वल टू के एच इंटू के एच इंटू, ठीक है ना, मन करे तो काट लीजिएगा आप लोग, समझ में आ रहा है। तो ये है हेनरी लॉ राउल्स लॉ वर्सेस हेनरी लॉ, और ये है राउल्स लॉ वर्सेस डॉल्टन लॉ, ठीक है ना, राउल्स लॉ का डॉल्टन लॉ के साथ क्या रिलेशन होगा, और ये बताता है बाबू राउल्स लॉ का हेनरी लॉ के साथ क्या रिलेशन होगा, ठीक है ना। देखिए ये दोनों भी पूछा हुआ है बोर्ड में, ठीक है ना, कि ये राउल्स लॉ का हेनरी लॉ डॉल्टन लॉ के साथ क्या रिलेशन है और राउल्स लॉ का हेनरी लॉ के साथ क्या रिलेशन है, बोर्ड में दोनों ही पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक डाल के नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में, नोट कर लीजिए, नोट करके जल्दी बताइए। आपका नाम क्या है, नाम क्या है, चलिए जो लोग ऑनलाइन क्लास किए हैं तुरंत इसका नोट्स भेजिए ग्रुप में, जो आज लिखे होंगे आप साथ में लिखे होंगे ना, कॉपी तब लेके ही बैठे होंगे, कहानी सुनने बैठे नहीं थे, ग्रुप में लिंक भेजिए, वो अपना नोट्स भेजिए। तो नियोजिता शालिनी मृत्युंजय मोहम्मद जुनेद आप लेट आए हैं क्या भाई, हाँ 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोगों को, 15 मिनट के अंदर नोट्स आ जाना चाहिए। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टुमारो शेड्यूल टाइम।